नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का शुक्रवार को पांचवा दिन है। वहीं आज भी सदन में सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि आज का दिन काफी हंगामेदार हो सकता है। इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा भी होगी। बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के लोग मौजूद रहेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने गुरुवार को सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण को कट एंड पेस्ट अभिभाषण करार दिया और आरोप लगाया कि जिन योजनाओं का उल्लेख किया गया है वो जमीन पर नहीं उतरी है, सच्चाई से कोसों दूर है। तो वहीं विधानसभा का आज पांचवा दिन है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, देखा जाए तो विधानसभा सत्र का आज पांचवा दिन है और काफी हंगामेदार हो सकता है। देखिए, विधानसभा का आज पांचवा दिन है और जहां तक आपने हंगामेदार की बात कही तो पहला दिन ही काफी ज्यादा हंगामेदार था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो समाजवादी पार्टी के घटक दल है वो इस बार सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। पहले दिन से हंगामे के बाद अब तक देखा जाए तो आज पांचवा दिन है। जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन भी समाजवादी पार्टी ने बजट का विरोध किया और अब बजट के पेश होने के बाद जितने भी दिन होंगे बजट पे चर्चाएं होंगी, परियोजनाओं पे चर्चाएं होंगी, प्रस्ताव पे बात होगी कि कितने प्रस्ताव जो है वो धरातल स्तर पर अब तक पूरे होते दिखाई दिए हैं कि सरकार नए बजट में नए तरह के प्रावधान की बात कर रही है। मैं आपको नहीं बता दूं कि लगातार समाजवादी पार्टी जाति जनगणना का मुद्दा उठाती रही है और कल ओम प्रकाश राजभर को अटैक करते हुए मेंशन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना, उनसे पूछा कि जाति जनगणना पे वो किसके साथ खड़े हैं। वहीं अगर बात की जाए तो किसानों के मुद्दे के अलावा जाति जनगणना पर सरकार पर सपा लगातार हावी हुई है क्योंकि उसे पता है कि रामचरितमानस के मुद्दे पर वो बैकफुट पे आ चुकी है और आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में अच्छी स्थिति में आने के लिए, अच्छे वोट लेने के लिए उसे जाति जनगणना का दाव खेलते रहना है, जिससे पिछड़ों और पिछड़ों का वोट भाजपा को न जाकर उनमें भी बट जाए। विवेक, देखा जाए तो लगातार पक्ष का कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि सदन को ज्यादा देर तक समय तक चलने नहीं दिया जाता है और इस बार सदन में ज्यादा टाइम दिया गया है तो जो विपक्ष है वो चलने नहीं दे रहा है। देखिए, इस बार सदन की कार्रवाई लंबी चलेगी। जो विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना है उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई को लंबी करने की जरूरत है। सदन की कार्रवाई इसलिए लंबी हो रही है कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिले। जहां तक बात है सदन की कार्रवाई स्थगित होने की तो बार बार जो है सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। हमने देखा कि राज्यपाल गो बैक के भी नारे विपक्षी पार्टी के लोग लगा रहे थे और कई बार जो है सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए रोकनी भी पड़ी थी, उसके बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हुई थी। इस तरीके से सरकार का विरोध जो है समाजवादी पार्टी कर रही है और कल शिवपाल यादव के नेतृत्व में सपा के कुछ लोग वेल तक पहुंच आए थे विरोध करते करते। तो समाजवादी पार्टी लगातार जो है बजट पे, सरकार पे, सरकार की योजनाओं पे लगातार विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है और अपने सवालों से उसके जवाब जानने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण पर चर्चा भी की जाएगी, सपा लगातार जातीय जनगणना को लेकर ये मुद्दा उठा रही है, क्या क्या आज हो सकता है? देखिए, बजट पे पेश होने के बाद बजट के तमाम चीजों पे आज चर्चा होनी है। राज्यपाल के अभिभाषण से ये चीजें शुरू होंगी और मुख्यमंत्री के अलावा अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद रहेंगे। बजट पे कुछ खास चर्चा होनी है, जितनी परियोजनाएं हैं उस पर चर्चा होनी है, जमीनी स्तर पर विकास किस प्रकार से होगा, इस तमाम तरह की चीजों पे चर्चा होनी है। और जो मुद्दा सपा ने अपनाया है इस बार रामचरितमानस को छोड़ के, जाति जनगणना, वो मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम होने वाला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पर गिर सकती है, ये समाजवादी पार्टी को लगता है और आने वाले चुनाव को लेकर ये मुद्दा भी अहम बना हुआ है। जी विवेक, देखा जाए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रही है और देखा जाए तो सदन में कल उसने जोरदार तरीके से ये मुद्दा उठाया था, तो आगे और क्या हो सकता है इसको लेकर? देखिए, जाति जनगणना की जो मांग है, कल सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बिहार में जाति जनगणना हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं उन लोगों की स्थितियों के बारे में जाना जाए जो अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, क्योंकि इस समाज को बनाने में जिम्मेदारी सबकी होती है, वोट सब देते हैं,
पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का वोट सबको चाहिए, लेकिन जाति जनगणना सरकार नहीं करना चाहती। तमाम जैसे मुद्दों पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा और आज भी पूरी उनकी मंशा है कि सरकार को उसकी विफल नीतियों पर घेरने की, जाति जनगणना पे घेरने की पूरी तरीके से तैयारी में समाजवादी पार्टी बनी हुई है। अखिलेश यादव ने कल सदन में बजट की खामियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे में जो भर्तियां की गई थी उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। वहीं पर किसानों का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। देखिए, पहले दिन से किसानों का मुद्दा जो है विपक्षी पार्टियां उठाती रही हैं। रालोद के विधायक लगातार जो है एक बैनर लेके आवारा पशु, गन्ना, गन्ने की कीमत और एमएसपी की बात लगातार करते रहे हैं। इस बजट में भी विपक्ष का कहना है कि बजट दिशाहीन है। खुद अखिलेश यादव ने इसे दिशाहीन बताया था और रालोद लगातार इस बजट का विरोध कर रही कि किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। इसके अलावा जो बात की जा रही है कि पुलिस में भर्तियां पूरी नहीं हुई, तो सरकार ने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि 1.5 लाख से ज्यादा भर्ती जो है उसने पुलिस में दी है। और इस बार के बजट में 3 PSC महिला पुलिस की बटालियन भी होंगी, जिसमें 3 PSC बटालियन होगी जो महिलाओं की भर्ती की जाएगी। तो इस प्रकार की चीजें हैं, सरकार अपने पक्ष को रख रही है, विपक्ष उसके पक्ष को अपने तर्क से नकारते जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी की लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं आज इरफान महाराजगंज से कानपुर कोर्ट में पेश होंगे, जहां इरफान की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें कि रंगदारी आगजनी कांड के मामले में सुनवाई की जाएगी। जानकारों की माने तो कोर्ट की जो नियमावली है उसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने वाले मुकदमे में 6 महीने के भीतर फैसला आ जाना चाहिए। अगर ऐसा ही हुआ तो 6 महीने बाद उनकी विधायकी भी जा सकती है। तो वहीं लगातार इरफान सोलंकी की मुसीबतें जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज पेशी होगी कानपुर में। महाराजगंज जेल से उन्हें आज इरफान को कानपुर में लाया जाएगा पेशी के लिए। रंगदारी आगजनी कांड के मामले में आज उनकी सुनवाई होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। उपेंद्र, देखा जाए इरफान सोलंकी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, आज उनकी पेशी की जा रही है। जी नंदन, आपको बताया कानपुर में जो आज इरफान समाजवादी पार्टी के जो विधायक इरफान सोलंकी है उनकी जो है कानपुर कोर्ट में जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है उनकी पेशी है। और वही कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से महाराजगंज जेल से जो है जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था से जो है लगभग 1:30 बजे जो है कानपुर कोर्ट में इरफान सोलंकी पहुंचे हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से नियमावली के बात माने तो कोर्ट में 6 महीने के बाद फैसला आ सकता है। जी हाँ, बता चला आपको जो फास्ट ट्रैक कोर्ट मामला जो होता है इसमें जो इरफान सोलंकी जो इसमें आरोपी हैं उसमें देखा जाए तो 376 और 373 और उसके बाद देखा जाए 427 और 420 और उसका देखा फोर्जरी को लेकर के आगजनी और रंगदारी के मामले में इरफान सोलंकी जो सुनवाई होनी है। फास्ट ट्रैक का मतलब ये होता है कि इरफान सोलंकी पर लग सकता है कि न्याय का जो मामला है वो लगभग 3 से 6 महीने के अंदर आ जाएगा पूरा। जी उपेंद्र, जिस तरीके से अगर उनको सजा आती है तो कहीं ना कहीं उनके विधानसभा की जो सदस्यता है वो भी रद्द हो जाएगी। जी अगर देखें तो प्रावधान तो ये होता है कि जो विधानसभा सदस्य जो होते हैं उनको अगर किसी मामले में अगर 3 से 7 साल की सजा अगर पड़ती है तो उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाती है। और वही रही कानपुर जो कोर्ट में जो इरफान सोलंकी को लेकर के पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तैनात है। यहाँ पे आधी बटालियन जो PSC तैनात है, स्थानीय पुलिस है और कानपुर का जो JCP है आनंद प्रकाश तिवारी जो है वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उपेंद्र, आगे की कार्यवाही की बात की जाए तो उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण किया गया है संपत्तियों का, और आगे क्या कुछ हो सकता है? जी बता चला कि अभी तक इरफान सोलंकी की 150 करोड़ की संपत्ति जो है वो पूरी तरीके से जब्त कर ली गई है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आज जो ज्वाइंट कमिश्नर जो आनंद प्रकाश तिवारी है उनकी मुंबई, लखनऊ और उसके बाद देखा जाए दिल्ली और गाजियाबाद जो है उनके जो फ्लैट है वो लगभग 200 करोड़ के फ्लैट जो है वो और जो हो गए चिन्हित हो गए हैं, उनके सारे दस्तावेज जो है आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इरफान सोलंकी के अलावा देखिए उनके परिवार का भी नाम आया, उनके दोस्तों का भी नाम सामने आया था, आगे क्या लगता है किन किन पर अभी आगे कार्रवाई की जा सकती है?
जी अगर देखा जाए तो इरफान सोलंकी की जो पत्नी है जोन सोलंकी, उसको लग रहा है 3 जून जो कानपुर हिंसा कांड हुआ था उसको लेकर के, जो हिंसा कांड जो कानपुर हुआ उसको उकसाने को लेकर के जो नसीम सोलंकी उनकी पत्नी है और जो उनके जो चाचा जो है जो वसीम सोलंकी जो है और हाजी वसी और उसका देखा जाए तो जो शौकत पहलवान जो है उनको लेकर पूरी तरीके से जो है ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जो है एक कमेटी बनाई है। हो सकता होगा 3 जून की जो हिंसा कांड है उसमें इनके जो पत्नी नसीम सोलंकी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इरफान सोलंकी को आज महाराजगंज जेल से कानपुर लाया जा रहा है, कितने बजे की पेशी बताई गई है? जी अगर देखा है तो सुरक्षा व्यवस्था पूरे चाक चौबंद है और जो कानपुर का जो जिला जज है उनकी उनकी निगरानी में और सारे वीडियो रिकॉर्डिंग में जो है उनकी पेशी जो है लगभग देखा है तो 1:30 बजे के बाद का टाइम दिया गया है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखा है तो न्यायालय में पूरी चाक चौबंद है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र। तो वही इरफान की आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, रंगदारी आगजनी कांड के मामले में इरफान सोलंकी की आज सुनवाई होगी। लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके सारी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है चिन्हित करके। तो लगातार इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, रंगदारी आगजनी कांड के मामले में आज उनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेशी की जाएगी, महाराजगंज जेल से वो कानपुर लाए जाएंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज पेशी होगी। रंगदारी आगजनी कांड के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज पेशी की जाएगी, महाराजगंज जेल से वो कानपुर लाए जाएंगे। लगातार देखिए जिस तरीके से इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार उन पर मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आज सपा विधायक की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश की जाएगी, सुनवाई होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में। सुनवाई होने से 6 महीने में फैसला आ सकता है, यदि इरफान को सजा होती है तो उनके विधानसभा सदस्यता रद्द की जा सकती है। इस खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।